Hey guys, welcome back our YouTube channel Mohika Vlogs. Hope you are doing well. So अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं नाश्ता कर रही हूँ एंड मैं बना रही हूँ सैंडविच और सैंडविच बहुत टेस्टी बने हैं. तो ये टमाटर प्याज वाले मेयोनीज डाल के भाई मैं तो पहली बार खा रही हूँ. अन्नू ने बनाए हैं सैंडविच ये वाले और अभी अन्नू बना रही हैं वो सैंडविच तो हम लोग अभी खा रहे हैं गर्म गर्म. विशाल भी नहा लिए हैं, विशाल भी अब सैंडविच खाने जा रहे हैं. और विशाल भी खा रहे हैं सैंडविच. वाह विशाल कैसा लग रहा है सैंडविच? सही है. बस मम्मी भी सैंडविच खा रही हैं. सो अभी अनु रेडी हो रही हैं, हम लोग जा रहे हैं बाहर घूमने और मैं भी रेडी हो चुकी हूँ. तो बाकी सब तैयार हैं. विशाल हम विशाल हम अनु और ये जा रहे हैं. नल्ली जा रही है घूमने, नल्ली भी जा रही है घूमने. नल्ली भी रेडी हो गई है ना. हाँ मम्मी नहीं जा रही हैं, मम्मी घर पर रहेंगी. चलो भाई बहुत गर्मी हो रही है अभी हम लोग जा रहे हैं इतनी गर्मी में. आज मौसम भी बहुत गर्म है. अभी हम लोग पहुंच गए हैं रामनगर और बस सब लोग हम लोग थोड़ा थोड़ा घूमेंगे इधर उधर. मंदिर है यहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से जैन मंदिर. तो अभी हम लोग यहाँ पे घूमने आए हैं. सो अभी हम आ गए हैं जैन मंदिर. यहाँ छत्र पार्श्वनाथ का मंदिर है ये. दिगंबर तीर्थंबर यानी क्या क्या है. चलो अंदर चल के देखते हैं. यहाँ पर शूटिंग अलाउ नहीं है फिर भी हम आप लोगों को दिखाने के लिए यहाँ पे शूट कर रहे हैं, चुपके चुपके से वीडियो बना रहे हैं. और अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और वीडियो में बने रहना एंड तक हमारे साथ, तो आप लोगों को और देखने को मिल जाएगा. और हम अभी आ गए हैं ये जो जैन मंदिर है वहाँ के जो बहुत 24 तीर्थकर थे उन लोगों का जो ये मंदिर है. सो इसमें छोटी छोटी जो मूर्तियाँ बनी हुई सारे लोगों की बनी हुई हैं. और इसमें जो इनके जो मुँह चेहरे की शेप थी वो सबकी अलग अलग शेप थी. अगर आप लोग आएंगे तो आपको देख के पता चल जाएगा. हम लोग आए हमें तो अच्छा लगा यहाँ पे देखते हुए. और ये दूसरा मंदिर है इसमें हम जा रहे हैं. यहाँ पे एक देवी माँ है और बाकी और भी मंदिर हैं. और यहाँ पे लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम थी इसलिए यहाँ पे साफ साफ दिख नहीं रहा है इसमें. और वैसे अगर आप लोग आएंगे तो आपको अच्छे से दिखेगा. बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे. आज बंदर बेटा नल्ली देख रही है बंदर को. देखो चलो. तो गाइस मेरी चप्पल बंदर ले गया, पता नहीं कहाँ डाल दी जाके. अब मैं क्या करूँगी. और हम लोग घूमने आए हैं देखो, इनका भी जूता ले गया था उधर पड़ा हुआ था, उनका तो मिल गया लेकिन मेरा जो सैंडल था पता नहीं कहाँ गया और मिल नहीं रहा एक. हम इधर उधर ढूंढ रहे हैं हम लेकिन इधर है ही नहीं, कहीं है ही नहीं. इधर बहुत सारे बंदर हैं. अब वहीं नंगे पैर जाना पड़ेगा मुझे घर पे. कोई बात नहीं. मैं बंदर को परेशान कर रही थी इसलिए शायद इसने सोचा होगा कि मैं इसकी चप्पल लेके जाऊं और वो ले ही गया. सो अभी मेरा सैंडल जो है नहीं मिला. अभी एक ही पहले मंदिर में आए हैं. अभी बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ भी घूमना है. हम आए हैं ये श्वेतांबर जैन का श्वेतांबर मंदिर है. जो पहले गए थे वो दिगंबर मंदिर था, ये श्वेतांबर मंदिर है जिसमें हम जाने वाले हैं. वो
यहाँ पे किसी भी मंदिर में कैमरा अलाउ ही नहीं है, तब भी फिर भी हम लोगों ने वीडियो बनाई और यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा तो इतना अच्छा लग रहा था इसको देखते हुए, छोटे छोटे पत्थरों पे कलाकारी की हुई है, सब कुछ बनाया हुआ है यहाँ पे। और फिर अभी मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगी, आप लोग एंड तक वीडियो में बने रहना। और ये जो पत्थर लगा हुआ है कितना प्यारा सा पत्थर लग रहा था, एकदम चिकना चिकना सा, ये ऊपर और इधर मैं आपको दिखा दूँ, उधर मैं बैठी हुई हूँ अभी यहाँ पे बीच में। और ये है भगवान जी हमारे जैन श्वेतांबर जी। हाँ सो गाइस, अभी हम आ गए हैं दूसरे 24 तीर्थकरों के मंदिर में और यहाँ पे भी बड़ी बड़ी प्रतिमाएं बनाई हुई हैं इनकी। और हमने आप लोगों को दिखाने के लिए शूट किया था, ये जो तीन हैं पार्श्व तीर्थकर, 24 तीर्थकर थे, उसमें तीन तीन प्रतिमाएं बनी हुई हैं सबकी अलग अलग मंदिर में, तो हम सारी आपको दिखा नहीं पाए, इसलिए हमने जो छोटे छोटे पार्ट थे उनको आपको दिखा दिया है। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट करना, आप लोगों को दिखाने के लिए हमने शूट किया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फैमिली में, अपने मिलने वालों से। और आप लोग भी यहाँ पे ज़रूर घूमने आना। और ये है पार्श्वनाथ भगवान जी का व्यू, दिखाओ व्यू कितना अच्छा है। और यहाँ का व्यू भाई बहुत अच्छा है, ये देखिए मंदिर। धूप हल्की हल्की हो रही है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत है। जैन लाल मंदिर, इसमें कुछ नहीं है, बस ऐसे ही एक दो मंदिर बने हुए हैं। तो अभी हम आगे चलते हैं। तो जो थीम पार्क कहाँ है? और ये हैं अर्जुन यहाँ पे रुके होंगे, तो उनकी यहाँ पे मूर्ति जो है बनी हुई है। सो ये भीम पार्क नाम से इसको यहाँ पे नाम दे दिया इन लोगों ने। और यहाँ पे अभी हम आए हैं घूमने, बाकी बस अर्जुन की मूर्ति है, बाकी इधर पार्क आर्क हैं बहुत सारे, इधर पहाड़ियाँ हैं, इधर पहाड़ी, इधर पहाड़ी इलाका है, इधर सब पहाड़ी इलाका है, इधर भीम की गदा भी है, लेकिन हम लोग उधर साइड गए नहीं अभी, जा सकते हैं हम। और ये इधर पूरा जंगल हो गया है, ये देखिए नींबू का पेड़, कितने सारे नींबू लगे हैं, देखो उल्टी आ रही है, नींबू दे दे चलते चलते उल्टी आने लगी, ये कोई नींबू नहीं, ये देखिए चीड़ का पेड़, चीड़ का पेड़, तभी तो इसके हालात खराब, कितना बड़ा है ना, हाँ तभी तो इसके हालात खराब, सूखा हो गया इसे बहुत। और हमारी गुड़िया रानी सो गई है, बहुत गर्मी हो रही थी, उन्होंने सो गई, उनके सोने का टाइम हो गया ना इसलिए। तो अभी हम बस थोड़ा घूम लिए फिर उसके बाद घर पे जाएंगे। तो अभी हम लोग घूम लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं घर, जहाँ पर एक जगह नहीं जा पाए, वो हम जाएंगे जब फिर कभी आएंगे तो जाएंगे, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है ना, तो वहाँ थोड़ा जाना अभी सही नहीं है, तो फिर अभी बाद में जाएंगे जब फिर कभी घूमने आएंगे। ठीक है गाइस, तो अभी हम आ गए हैं घर, 3 बज रहे हैं, टाइम हो गया बहुत ज़्यादा। और तो अभी हम आ गए घर, ऊपर अभी आ गए हैं घर। और लल्ली को बहुत गर्मी लग रही थी, देखो मम्मी के साथ शैतानी है, नानी के साथ शैतानी भाई, मैं तो नंगे पैर आई हूँ क्योंकि मेरी बंदर ले गया चप्पल मम्मी ऐसा ही मम्मी कह रही, और जाओ लेने चप्पल पहन के, मंदिर से सोचिए हम भी पहन के देख लें। ठीक है, तो हम लोग आके सो गए थे और फिर लली भी हम, बाकी सब लोग थोड़ा थोड़ा आराम कर रहे थे और फिर अभी सो के उठे हैं क्योंकि थक गए थे, वह थोड़ा पैदल ही चलना पड़ा था ना इसलिए। और सो अभी नीचे आई है लली घूमने,
बहुत शैतान हो गई है ये मोहिका, बहुत शैतान हो गई है। लली और मैं खा रही हूँ लॉलीपॉप, और लली भी खा रही है लॉलीपॉप। कैसे खा रही है दिखा दो, ऐसे खा रही है ये लली लॉलीपॉप। ये वाली खा ली पहले, उसके बाद ये छोड़ दी, फिर दूसरी वाली ले ली और दूसरी वाली खा रही हैं। हैं ये वाली लोग लो। हे गाइस, आई होप आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, एंड अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का ब्लॉग कैसा लगा। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लेना मोहिका ब्लॉग्स, और बेल आइकन को प्रेस कर देना, इससे मेरी वीडियो जो आपके पास पहुंच जाए वो भी सबसे पहले। सो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, फुल काबे 77 मेरी आईडी, इंस्टा पर फॉलो कर लेना, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।